ये कहानी कुलदेवी की है, एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम था राकेश, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली जिंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गाँव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहाँ वह जा सके। तभी रॉकी अपने दादाजी के बने गाँव के घर में जाना तय करता है और कुछ दिन वही रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले रॉकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी वश वह गांव के सफर पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, उसकी नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गाँव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। रॉकी को ये सब देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था, उसे ये सब ढोंग लगता था। रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गाँव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। रॉकी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी जरूर। लेकिन रॉकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी रॉकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ हमारी कुलदेवी है जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के जमाने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का जमाना आ चुका है लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। रॉकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बुरा भला कहता है। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गाँव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुँच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों न खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह देखता है उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहां के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूंगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहलहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बड़ी थी। रॉकी समझ चुका था जरूर यह कुलदेवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं।
अगले ही दिन रॉकी कुलदेवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था।